प्रिथ्वी वल्लभ का जश्न स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मतवाली हुई मृणाल से करेंगे सबका स्वागत। भाई मौका है सोनी टीवी पर शुरू हुए सीरियल पृथ्वी वल्लभ की स्क्रीनिंग का, जहां शो से जुड़े कलाकारों की हौसला अफजाई करने पहुंचे टीवी के तमाम सितारे। बीती रात मुंबई में रखी गई पृथ्वी वल्लभ की पहली स्क्रीनिंग, जहां पृथ्वी यानी आशीष शर्मा और मृणाल यानी सोनारिका भदौरिया आज मना रहे हैं अपने सीरियल की मुंह दिखाई का जश्न। एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वस हूं और क्या बोलूं, अभी फिलहाल तो शब्द कम पड़ रहे हैं। भाई सीरियल में तो आपको दिखेगा हैवी कॉस्ट्यूम ड्रामा और भव्य सेट से सजा पृथ्वी वल्लभ का साम्राज्य। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी जुदा है, क्योंकि आज पृथ्वी और मृणाल और शो के सभी कलाकार रंग गए हैं मॉडर्न मस्ती के रंग में। और जरा देखिए इनका ये बिंदास नच। थोड़ी सी पहली बार थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, बिकॉज इतना समय पहली बार किसी शो को दिया है, इतनी मेहनत किसी शो को पहली बार दी है, और इसीलिए क्योंकि प्रोमोज के जो रिएक्शंस थे, जो लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा हैं, तो जब लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं तो फिर नर्वसनेस होना शुरू होता है कि कहते हैं अंडर आप डिलीवर ना कर दें कहीं उस चीज़ को, तो वो एक डर लगा रहता है, तो है नर्वसनेस है थोड़ी सी, बट लेट्स सी। ये लव हेट, लव उनकी तरफ से है, हेट मेरी तरफ से है। मेरी तरफ से स्ट्रिक्टली हेट है और रिवेंज है, मुझे बस बदला लेना है। तो अब जिससे आपको बदला लेना होता है उससे प्यार कैसे होगा। तो वहीं इस मौके पर पृथ्वी की रियल लाइफ मृणाल यानी आशीष शर्मा की बेटर हाफ अर्चना शर्मा भी नजर आई, और दोनों ने सेलिब्रेट किया अपने नए शो की स्क्रीनिंग की ये खुशियाँ। कुछ नहीं, शूटिंग करते रहते, कोई रहस्य नहीं है, इतिहास बन के रह गए हम लोग। मिलते हैं रात में तो बस ऐसे थके आ रहे होते, तो कोई सीक्रेट, कोई रहस्य, कुछ भी नहीं है, सिर्फ शूटिंग है। कुछ खुलासा अगर बोलना चाहे, कुछ रहस्य, कोई एक पोल खोल बोलेंगे चलिए आशीष की, तो क्या बताना चाहेंगे? ही इज वेरी लेजी, नोबडी नोज दैट बट ही इज। अब देखिए कि ये हमारे ऐसा लगता है ना, जब आपके परिवार या आपकी फैमिली से कोई शो में आपको दिखाई देता है जो आपके ही होम टाउन का हो, जयपुर से हो, तो वैसे ही आशीष जो जयपुर से ही है, तो मैं उसको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। उसका शो आज से स्टार्ट हुआ है, और अनिरुद्ध जी हैं, नितिन हैं जो प्रोड्यूसर हैं शो के। तो वहीं इसी सीरियल में अक्षरा की बेटी नायरा यानी कि अशनूर कौर भी आपको नजर आएंगी विलास के किरदार में। सिर्फ लुक का डिफरेंस है, बट जैसे नायरा थी बबली चोपी गर्ल, विलास भी वैसे ही है, बबली चोपी है। मृणाल को बहुत पसंद करती है, बहुत एडमायर करती है। सेकंड एपिसोड में मेरी एंट्री है, कल है, तो देखना मत भूलेगा पृथ्वी वल्लभ, संडे मंडे 9:30 PM। तो वहीं छोटे पर्दे का चर्चित चेहरा शालिनी कपूर भी नजर आएंगी महारानी वंदना के किरदार में, और पृथ्वी वल्लभ होंगे इनके बेटे। आज हम सब मुझे बांद्रा के उस थिएटर की याद आ गई, जहाँ गेटी गैलेक्सी में लोग बहुत चीखते थे और पैसे फेंकते थे। सो आज मुझे ऐसे लगा मैं गेटी गैलेक्सी में हूँ, यू नो, बिकॉज द वे पीपल वर हूटिंग एंड दे वर यू नो, हर एक की एंट्री पे इतनी सारी तालियां हो रही थी, सो इट वाज अमेजिंग। तो वही सीरियल बाजीराव की काशी यानी कि इश्ता गांगुली भी नजर आएंगी पृथ्वी वल्लभ में उज्जैन की राजकुमारी बनकर, और नाम होगा इनका अमरूषा। और ट्विस्ट ये है कि शो में दिखाई देगा अमरूषा पृथ्वी और मृणाल का लव ट्रायंगल। पहले कोई बंधन तो मिले बनने लायक, ऐसा कोई जो नफरत के शोलों पर भी बैठा हो तो मेरा मन मेरा दिल उसे पुकारने के लिए तड़प उठे पागल हो जाए। इस वर्ष रंगोत्सव में मुझे बहुत सतर्कता से ढूंढना पड़ेगा उन्हें जो इस मूर्ति की आंखें बन सके। पृथ्वी के लिए बहुत
कुछ भी कर सकती, बहुत प्यार करती है उससे, एंड आगे चल के जब उसको पता चलेगा कि वो किसी और से प्यार करता है नॉल, बट स्टिल वो उसकी पृथ्वी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, एंड सो दैट्स व्हाट, बहुत ही हाँ लव ट्रायंगल एंड बहुत ही ज़्यादा खुले विचार वाली है, बहुत ही दिल बहुत इसका साफ है। भाई ये तो रही सीरियल पृथ्वी वल्लभ के किरदारों से एक छोटी सी मुलाकात, लेकिन शाम को और भी ज्यादा शानदार बनाने में इन सितारों ने कोई भी कमी नहीं रखी। जरा इनका जोश देखिए, स्क्रीनिंग देखते वक्त पृथ्वी वल्लभ जमीन पर बैठे नजर आए तो वहीं शो की झलक देखकर खूब तालियां भी बजाई गईं, केक काटकर जश्न मनाया गया, और सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा पृथ्वी वल्लभ और मृणाल का ये मस्त मस्त वाला डांस। तो उम्मीद करते हैं जिस शानदार तरीके से पृथ्वी वल्लभ का आगाज हुआ है उसी तरह से दर्शकों का प्यार भी इन्हें लगातार मिलता रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।